का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। दोस्तों देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस जो होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन दोस्तों दो तरह का होता है, दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल और सेकेंड होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल। ओके दोस्तों, इंटीग्रेशन हम लोग दो तरह का पढ़ना है। तो कैसे समझेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों लिमिट यदि नहीं दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ऐसा रहेगा कि x का पावर मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा 3 और यहाँ पर dx, तो ये हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पर लिमिट नहीं दिया रहेगा तो ये हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो लास्ट में क्या करेंगे, प्लस सी कांस्टेंट लगाएंगे। और दूसरा तरह का इंटीग्रेशन हम लोग को दिया रहेगा, जैसे यही रहेगा यहाँ पे एक्स का पावर 4 dx और यहाँ पे लिमिट यहाँ पे दिया रहेगा 2 से लेकर 3 तक। इसको हम बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। ओके, अब दोस्तों इसका सॉल्व करने का इसका 3 मेथड्स होता है। देखिए, पहला मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड होता है बाय पार्ट्स। थर्ड होता है पार्शियल मेथड। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो इंटीग्रेशन का होता है सो डेट फॉर्मूले बेसिस पे होते हैं। वैसे जनरली यही 3 मेथड है, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल मेथड्स। इसमें दोस्तों फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे हम लोग इसको यूज करना है। देखिए, जो इसका पहला फॉर्मूला है सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, एक्स रहेगा और यहाँ पे कोई इंटीजर्स रहेगा। ये एन क्या है, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। एक्स टू द पावर एन dx यदि रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। लास्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लस ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, तो कभी भी इंडिफिनिट इंटीग्रल रहेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सी लगाएंगे। तो कभी भी हम लोग एक्स का पावर कोई इंटीजर से मिलेगा तो हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। बहुत सारे फॉर्मूला, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 12 है और इवेलुएट करने के लिए पहला पार्ट हम लोग दिया गया एक्स टू द पावर 7 dx दिया गया है। क्या बताया दोस्तों, एक्स का पावर यदि हम लोग कोई इंटीजर्स मिलेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए, हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे कि एक्स टू द पावर एन dx इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कब, जब हम लोग एक्स का पावर कोई इंटीजर्स रहेगा। तो देखिए, आप एक्स का पावर यहाँ पे क्या इंटीजर्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले x लिखिए, x का पावर n प्लस 1, n क्या होता है, पावर होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना 7 है, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन में 7 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा x का पावर 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया x टू द पावर 8 अपॉन में 8 प्लस सी। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में है यहाँ पे x टू द पावर माइनस 7 है। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, x है और यहाँ पर क्या पावर क्या इंटीजर्स है, कोई नंबर है। ओके, तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा, x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। देखिए, ये x का पावर n, n यहाँ पे कितना है, n है माइनस 7, तो माइनस 7 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। आगे देखिए, ये x का पावर देखिए 1 में से 7 जाएगा, तो 1 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन में माइनस 6 प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें आप लोग थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये जो निगेटिव पावर है ना, इसको आप लोग क्या कीजिए, नीचे में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पावर क्या है, निगेटिव है,
इसको नीचे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन में ए टू द पावर एम होता है ना। एक्स का पावर माइनस सिक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, वन अपॉन एक्स का पावर सिक्स ले सकते हैं। तो देखिए वन अपॉन में माइनस सिक्स टैजिटी रहा और इंटू में क्या हो जाएगा, ये एक्स का पावर सिक्स नेगेटिव है ना, यहाँ पर आएगा तो ऐसे हो जाएगा प्लस सी। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस ये वन अपॉन में सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स, क्योंकि ये नेगेटिव जो है ना माइनस साइन जो है ऊपर जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, तो माइनस वन अपॉन में ये सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है यहाँ पे कि x का पावर माइनस वन डी एक्स। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे x का पावर यहाँ पे माइनस वन है विथ डी एक्स है। अभी क्या होता है, x का पावर यदि कोई इंटीजर्स रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। यदि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं x का पावर n प्लस वन, यानी कि n की जगह कितना है माइनस वन, ये प्लस वन अपॉन में माइनस वन प्लस वन, यानी x का पावर ये कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा जीरो अपॉन में जीरो। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इस नेगेटिव पावर को हम लोग क्या करेंगे नीचे शिफ्ट कर देंगे। एक्स का पावर माइनस वन को हम लोग क्या ले सकते हैं, वन अपॉन एक्स विथ डी एक्स। दोस्तों याद रखिएगा कि वन अपॉन एक्स डी एक्स फॉर्मूला होता है किसका, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, यानी वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया एक्स टू द पावर फाइव अपॉन थ्री डी एक्स। यहाँ पे दोस्तों सेम प्रोसेस, यहाँ पे कि एक्स का पावर यहाँ पे क्या इंटीजर्स है, तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे बताइए, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला पुट कीजिए यहाँ पे, ये एक्स का पावर एन यानी कि फाइव बाई थ्री प्लस वन अपॉन में फाइव बाई थ्री प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। आगे देखिए x का पावर यहाँ पे थ्री इसका एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों को ये फाइव प्लस इसका एलसीएम लेंगे, थ्री और वन का एलसीएम कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री अपॉन में नीचे भी एलसीएम हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फाइव प्लस थ्री, ये प्लस सी। आगे देखिए ये x टू द पावर एट अपॉन थ्री अपॉन में ये हो जाएगा एट अपॉन में थ्री प्लस सी। अब नीचे में जो फ्रैक्शन हो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा थ्री अपॉन एट, एट अपॉन थ्री का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा थ्री अपॉन एट, एक्स टू द पावर एट अपॉन थ्री प्लस सी। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट हम लोगों को दिया गया है एक्स टू द पावर माइनस फाइव अपॉन फोर डी एक्स। सेम प्रोसेस, एक्स टू द पावर यहाँ पे इंटीजर्स है, एन है, एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे बताइए, ये एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। तो एक्स का पावर एन यानी कि माइनस फाइव बाई फोर, एन क्या होता है पावर जो रहता है, प्लस वन अपॉन में माइनस फाइव बाई फोर प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अब इसे आगे इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए फोर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स का पावर यहाँ पर हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा माइनस फाइव प्लस फोर अपॉन में नीचे में इसका एलसीएम हो जाएगा फोर, फोर वन का एलसीएम फोर हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा माइनस फाइव प्लस फोर, ये प्लस सी। एक्स का पावर हो जाएगा देखिए फोर में से फाइव जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन में फोर अपॉन में, ये हो जाएगा फोर में से फाइव जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन में फोर प्लस सी। अब देखिए ये फोर चला जाएगा, देखिए यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन फोर है ना, ये चला जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा फोर अपॉन में माइनस वन और एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन में फोर प्लस सी हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा देखिए फोर अपॉन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस फोर इंटू ये एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों फाइनल इसका आंसर होगा फिफ्थ पार्ट का, माइनस फोर इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी। अब देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट हम लोगों को दिया गया है कि यहाँ पे टू टू द पावर एक्स है, यहाँ पे देखिए ये क्या नंबर है, ये कॉन्स्टेंट है। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले क्या था एक्स का पावर यहाँ पे क्या था, नंबर था, अब यहाँ पे क्या नंबर का पावर क्या आ गया, एक्स आ गया, ये कांस्टेंट है। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला याद रखेंगे, जब कभी हम लोग स्टार्टिंग में कोई नंबर रहेगा उसका पावर यदि एक्स रहेगा तो ये फॉर्मेट है ए टू द पावर एक्स डी एक्स। ए टू ये क्या होता है, नंबर होता है, और यहाँ पे क्या पावर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे नंबर है और ये क्या है, पावर है। तो ए टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन में क्या होता है, लॉग ए प्लस सी। ये याद रखिएगा फॉर्मूला।
अब यहाँ बताइए ए क्या है, ए का वैल्यू कितना है, टू है। ये क्या है यहाँ पे, टू, ये है टू। फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, ये क्या है, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मेट है, ठीक क्या, और रिजल्ट क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स, ए का वैल्यू कितना है, टू, थी हो जाएगा टू टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, ए का वैल्यू कितना है, टू प्लस सी। ये दोस्तों इसका सिक्स पार्ट का आंसर हो गया। और इसका नेक्स्ट देखिए सेवन पार्ट, देखिए पार्ट हम लोग को ये दिया गया है, रेडिकल्स ऑफ थ्री यहाँ पे दिया गया और अंडर में क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया है। एक्स स्क्वायर का रेडिकल्स कितना दिया, थ्री दिया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेडिकल्स को हम लोग हटाएंगे यहाँ से। देखिए इसको दिया यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर तेज इट इज और इसका पावर कितना हो जाएगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये यहाँ से हटेगा, रेडिकल्स यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाले में क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ओके विथ डी एक्स, ये तो आप लोग जानते होंगे। रेडिकल्स हटाने का मतलब होता है कि इसका जो रूट के अंदर में रहता है उसका पावर क्या होता है, ये वन अपॉन हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स का पावर टू अपॉन थ्री विथ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे अभी कौन सा फॉर्मूला पे आ गया बताइए, एक्स का पावर यहाँ पे क्या है, नंबर। तो जानते हैं कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी होता है। कभी भी हम लोग एक्स का पावर कोई इंटीजर्स मिलेगा, नंबर मिलेगा, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग याद रखना है। अब देखिए एक्स का पावर एन प्लस वन, एन क्या होता है, पावर होता है, यहाँ पावर कितना है, टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन में टू अपॉन थ्री प्लस वन और ये प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स का पावर, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा थ्री, वन और थ्री का एलसीएम कितना हो जाएगा, थ्री, तो हो जाएगा टू प्लस थ्री अपॉन में, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए तो थ्री टेवन थ्री वन टाइम्स में, तो वन इंटू टू हो जाएगा टू प्लस वन टेवन थ्री थ्री टाइम्स में, तो थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा। ओके तो फाइनली देखिए ये हो जाएगा एक्स का पावर कितना हो जाएगा, टू प्लस थ्री हो जाएगा फाइव अपॉन में थ्री अपॉन में हो जाएगा फाइव अपॉन में थ्री प्लस सी। अब देखिए नीचे वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फाइव अपॉन थ्री रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा और एक्स टू द पावर हो जाएगा फाइव अपॉन थ्री प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका सेवन्थ पार्ट का आंसर हो गया, क्या आंसर आया, थ्री अपॉन फाइव एक्स टू द पावर फाइव अपॉन थ्री। अब इसका एट्थ पार्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, यहाँ पर सिर्फ नीचे में देखिए हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस रेडिकल से यहाँ से हटाएंगे, ये हो जाएगा x का पावर थ्री और ये पावर क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर विथ डी एक्स। आगे देखिए ये वन अपॉन में x का पावर, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थ्री अपॉन फोर विथ डी एक्स। दोस्तों देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता है x टू द पावर n dx का, ये वन अपॉन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला पता नहीं है। सबसे पहले इस पावर को हम लोग क्या करें, ऊपर शिफ्ट करेंगे, पावर नीचे में नहीं रहना चाहिए, ऊपर में रहना चाहिए। ओके न्यूमरेटर में ये हो जाएगा एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन में फोर विथ डी एक्स। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये एक्स का पावर क्या है, इंटीजर्स है, तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यानी कि एन कितना है, थ्री बाय फोर, सॉरी माइनस थ्री बाय फोर प्लस वन अपॉन में माइनस थ्री बाय फोर प्लस वन और ये प्लस सी हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे इसका एल्सियम ले लीजिए, एक्स का पावर हो जाएगा एल्सियम कितना हो जाएगा, फोर वन का एल्सियम हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन टेबल फोर फोर टाइम्स में, तो फोर इंटू वन हो जाएगा फोर अपॉन में, नीचे में भी एलसीएम हो जाएगा फोर हो जाएगा, यहाँ वन है तो फोर टेबल फोर वन टाइम्स में, ये हो जाएगा माइनस थ्री और प्लस फोर। आगे देखिए और लास्ट में आप लिखेंगे प्लस सी, तो एक्स का पावर देखिए फोर में से वन जाएगा तो हो जाएगा वन अपॉन फोर अपॉन में वन अपॉन फोर हो जाएगा प्लस सी। अब ये वन अपॉन फोर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो फोर एक्स टू द पावर वन अपॉन फोर प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका एट्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका नाइन्थ पार्ट देखिए, नाइन्थ पार्ट में हम लोग दिया गया है टू अपॉन एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का पावर एन का तो फॉर्मेट है लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे में है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग को टू त्रेजिटी रहेगा इन टू एक्स का पावर टू को ऊपर ले जाएगा तो एक्स का पावर माइनस टू विथ डी एक्स। अब दोस्त देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट ना जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो टू बाहर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स का पावर माइनस टू विथ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, इंटीजर्स है, एक्स का पावर एन का फॉर्मेट लगाएंगे, फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, या एक्स का पावर ये टू तो बाहर में रहेगा, ये एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन यानी कि माइनस टू प्लस वन और ये प्लस सी हो जाएगा, यानी कि टू और ये हो जाएगा एक्स का पावर, देखिए वन में टू जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन में माइनस वन प्लस सी। तो देखिए ये
टू से माइनस वन को डिवाइड करें तो हो जाएगा माइनस टू, ये x का पावर माइनस वन प्लस सी। आप इसको आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं या नहीं तो इस x का पावर माइनस वन को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस टू इंटू x का पावर माइनस वन को हम लोग क्या ले सकते हैं, वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, तो फाइनली हो जाएगा माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस सी। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया नाइन्थ पार्ट का। अब इसका दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट। देखिए टू का फर्स्ट हम लोग को ये दिया गया है यहाँ पे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करना है। इसमें देखिए बहुत सारे टर्म है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सारे टर्म के साथ हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे विथ डीएक्स लगाएंगे। देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये सिक्स एक्स टू द पावर फाइव विथ डीएक्स माइनस पहला लिख लिया यहाँ पे, फिर इसको लिखेंगे टू अपॉन में एक्स टू द पावर फोर विथ डीएक्स माइनस हो जाएगा सेवन एक्स विथ डीएक्स, फिर प्लस थ्री अपॉन में एक्स विथ डीएक्स, फिर यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा फाइव विथ डीएक्स, फिर प्लस ये फोर ई टू द पावर एक्स विथ डीएक्स प्लस सेवन टू द पावर एक्स विथ डीएक्स। पहला काम क्या किए कि सारे टर्म के साथ हमने क्या किया इंटीग्रेशन लगाए और साथ में डीएक्स लगाए। ओके अब दूसरा बात देखेंगे यहाँ पे कि जो कॉन्स्टेंट उसको हम लोग पहले बाहर करेंगे। देखिए यहाँ पे सिक्स है कॉन्स्टेंट, सिक्स बाहर कर लीजिए, एक्स टू द पावर फाइव विथ डीएक्स माइनस टू यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये वन अपॉन में एक्स टू द पावर फोर विथ डीएक्स। ओके फिर माइनस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है सेवन, सेवन बाहर हो जाएगा तो ये एक्स डीएक्स प्लस यहाँ से थ्री बाहर हो जाएगा तो ये वन अपॉन में एक्स विथ डीएक्स, फिर यहाँ पे माइनस है ये फाइव बाहर हो जाएगा तो ये विथ डीएक्स हो जाएगा, प्लस फोर यहाँ से बाहर हो जाएगा तो ई टू द पावर एक्स विथ डीएक्स प्लस देखिए ये सेवन टू द पावर एक्स, ये सेवन कॉन्स्टेंट नहीं है तो ये एज इट इज विथ डीएक्स। ओके अब तीसरा बात क्या ध्यान देना है कि नीचे में जो पावर है उसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। देखिए नीचे में पावर कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये सिक्स एक्स टू द पावर फाइव विथ डी एक्स माइनस टू, ये एक्स टू द पावर माइनस फोर विथ डी एक्स, क्योंकि एक्स का पावर फोर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस फोर विथ डी एक्स, ये माइनस सेवन ये एक्स डी एक्स प्लस थ्री। देखिए इसको तो पावर ऊपर नहीं ले जाना क्योंकि हम जानते हैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मोड एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स विथ डी एक्स माइनस फाइव विथ डी एक्स प्लस फोर ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सेवन टू द पावर एक्स विथ डी एक्स। ओके अब इसे आगे देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारा का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए सिक्स इंटू देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है क्योंकि यहाँ पे नंबर है, तो एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, एक्स का पावर इसमें वन ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन में सिक्स, क्योंकि एन प्लस वन करेंगे तो फाइव प्लस वन क्या हो सिक्स और नीचे में सिक्स हो जाएगा माइनस टू इंटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स का पावर एन का फॉर्मेट है तो एक्स का पावर एन प्लस वन करेंगे तो माइनस फोर प्लस वन कितना हो जाएगा बताइए, माइनस फोर प्लस वन हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस थ्री। ओके फिर माइनस सेवन इंटू तो देखिए यहाँ एक्स का पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पे वन है तो एक्स का पावर यहाँ पे एन का फॉर्मेट है तो एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स का पावर एन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू अपॉन में टू हो जाएगा। हम लोग याद भी रख सकते हैं कि एक्स का एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू होता है प्लस हो जाएगा थ्री वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका होता है लॉग मॉड एक्स। याद रखिएगा कि वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है। फिर उसके बाद देखिए माइनस ये हो गया फाइव, देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स होता है, यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा फोर और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई का पावर एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या शुरू में नंबर है, शुरू में क्या है नंबर है कॉन्स्टेंट है और उसका पावर क्या एक्स है, तो बताए थे ये ए टू द पावर एक्स का फॉर्मेट है, ए यहाँ पे कितना है सेवन है तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो ए टू द पावर एक्स यानी कि सेवन का पावर एक्स अपॉन में लॉग ए यानी कि सेवन ये प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे जो देखिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे जो कैंसिल होने वाले हैं उसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में जैसे यहाँ पे सिक्स है सिक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और तो यहाँ पे देखिए और तो कुछ यहाँ पे कैंसिल होने वाले नहीं है। नेक्स्ट पेज में इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, एक्स टू द पावर सिक्स हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स का पावर माइनस थ्री हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में इसका फाइनल आंसर,
तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचा, सिक्स सिक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाए तो बचेगा यहाँ पे एक्स का पावर सिक्स, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स का पावर माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस, ये हो जाएगा थ्री लॉग ऑफ मॉड एक्स, ये हो जाएगा माइनस फाइव एक्स, ओके देखिए माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा फोर ई टू द पावर एक्स प्लस सेवन टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए सॉरी लॉग सेवन, सेवन टू द पावर एक्स अपॉन लॉग सेवन प्लस सी। अब देखिए फाइनल इसका हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स का पावर सिक्स प्लस ये टू अपॉन थ्री इन टू, देखिए एक्स का पावर माइनस थ्री को नीचे ले जाए तो वन अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये सेवन एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस थ्री लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस ये फोर ई टू द पावर एक्स प्लस सेवन टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग सेवन प्लस सी। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसका फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाए एक्स टू द पावर सिक्स प्लस टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब, ओके ये टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस थ्री लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस ये हो जाएगा फोर ई टू द पावर एक्स प्लस सेवन टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग सेवन प्लस सी। ये दोस्तों इसका पहला का फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर यही हो गया। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने के तरीके से आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।